आज दही बड़ा बनाएंगे, थोड़ा अलग स्टाइल में, एक अलग तड़के के साथ। कुछ अलग फ्लेवर रहेगा पर बहुत ही खास रहेगा, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत सॉफ्ट रहता है, एकदम रुई की तरह रहता है, आप देख पा रहे होंगे, एकदम सॉफ्ट एंड मशी है। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सुस फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा। और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उड़द दाल लिया है 1 कप, यानी 200 ग्राम के आसपास। 3 घंटा उसको गुनगुना पानी में भिगो दी हूँ और 3 घंटा बाद पानी निकाल के अच्छे से धो के मैं इसको एक थिक बैटर में, गाढ़ा बैटर में पीस लूँगी। पीस के इसको लगभग 20 मिनट तक इसको हम फूलने छोड़ देंगे। तो 20 मिनट बाद मेरा बैटर बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए राइज हो गया है। अब इसको एक करछी के हेल्प से एक डायरेक्शन में लगभग 3 मिनट तक हम फेंट देंगे, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए। तो 3 मिनट बाद इसमें हम नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच या टेस्ट के हिसाब से, 2 हरा मिर्चा और 1 इंच अदरक को मैं कूट ली हूँ वो डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लूँगी, और जीरा डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको ये उड़द दाल का बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। हम वड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लेवरिंग अच्छे से आता है। लगभग 1 मिनट तक करछी से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और 10 मिनट छोड़ देंगे। तो मेरा वड़ा का जो बैटर है ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है, एक बड़ा प्याले में मैं 5 कप पानी ली हूँ 1 लीटर के आसपास, उसमें मैं 2 छोटे चम्मच भर के नमक डाल दूँगी, क्योंकि जो वड़ा हम तलेंगे ना उसको इस पानी में डालना है हमको। तो देखिए मैं 2 छोटे चम्मच भर के नमक डाल दी हूँ, नमक डाल के मिला लूँगी। अब इसको किनारे रख देंगे। एक दही वड़ा मसाला बनाते हैं, बेसिक मसाला है, जीरा ली हूँ 1.5 बड़ा चम्मच और सूखी लाल मिर्च ली हूँ 6 से 7। इसको मीडियम फ्लेम में सूखा हम भून लेंगे। अब ये जो हम बनाएंगे जो मसाला है जीरा और मिर्चा का, इसको हम बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बहुत मल्टीपर्पज़ है। और इसको पूरा फाइन नहीं करना है, दरदरा करना है, और उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, देखिए कुछ इस तरह से। अब दही वड़ा का दही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दही ली हूँ 400 ग्राम के आसपास, उसमें 1 कप पानी डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से फेंट लूँगी, जैसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहता है वैसा होगा। उसमें काला नमक डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच और सफ़ेद नमक टेस्ट के हिसाब से, और जो कूटा हुआ मसाला हम बनाए थे उसका 1 छोटा चम्मच डाल दूँगी। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सब चीज़ों को दही में मिला लेंगे। दही जितना स्मूथ हो दही वड़ा में उतना अच्छा लगता है। तो आप उसको अच्छे से मिला के पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा पतला भी नहीं। तो चलिए, तब तक हमारा वड़ा वाला मिक्सचर फूल गया है अच्छे से। अब मैं कढ़ाई में तेल गरम की हूँ, मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करना है, और थोड़ा सा पानी ले ली हूँ अलग से। अब थोड़ा सा वड़ा का मिक्सचर में डाल के देखती हूँ इस तेल में, देखिए ये नीचे आके ऊपर उठा, यानी ये पूरा परफेक्ट है, एकदम से डालते ही नहीं ब्लैक हो गया, कलर चेंज नहीं हुआ। तो अब ये मिक्सचर को दोबारा हम फेंट लेंगे, हाथ को मैं गीला करूँगी, देखिए। अब एक हाथ से थोड़ा सा छोटा सा गोला टाइप का बैटर लूँगी, उस बैटर को दूसरे हाथ पे रख के जिस हाथ पे हम पानी लगाए थे अच्छे से थोड़ा प्लेन कर लेंगे। अब वापस से सीधा हाथ में, जिस हाथ से आपको तलते हैं, जो हाथ आप नॉर्मल काम करते हैं उसमें, उसको ट्रांसफ़र करके, और हाथ से थोड़ा मैं बीच में यहाँ पे एक होल करूँगी एक परफेक्ट वड़ा की तरह, और धीरे से स्लाइड कर दूँगी तेल में, क्योंकि हम हाथ में पानी लगाए थे तो ये बहुत अच्छे से स्लाइड हो जाएगा। तो अगर आपको ये प्रोसीजर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो नॉर्मल गोला बना के गोल गोल भी आप तेल में डाल सकते हैं, क्योंकि वड़ा है तो इसका ये कंसिस्टेंसी है। तो मैंने आपको ये बताया, ये प्रोसेस बताया, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि गर्म तेल है। तो जो प्रोसेस आप कंफर्टेबल फील करेंगे आप कीजिएगा। अब उसको पलट लेंगे जैसे नॉर्मल वड़ा हम तलते थे, और तेल का टेम्परेचर मीडियम हाई होना चाहिए, और जब तक गोल्डन ना हो तब तक हम तलेंगे। और मेरा वड़ा पूरा अच्छे से तल गया है, देखिए बहुत क्रिस्प है। अब इसको क्या करना है, तुरंत निकाल के, तो जो नमक वाला पानी हम बनाए थे ना उसमें तुरंत इमीडिएटली डाल देना है,
देखिए इसलिए मैं ये दोनों चीज़ पहले से प्रिपेयर करके रखी हूँ, इसलिए आप मैंने आपको ये दिखाया भी पहले ही है ताकि वड़ा तलने के बाद हड़बड़ी ना हो, वड़ा तलते ही हम तुरंत नमक के पानी में डाल पाएँ। तो सेम प्रोसेस से हम बाकी सारे वड़ा तल लेंगे और जैसे मैंने बोला जो प्रोसेस आपको कम्फर्टेबल लगे आप कीजिएगा। तो मेरा सारे वड़ा ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2 या 3 बैच में हो गया था। अब मैं इसको भी वही प्रोसेस में तुरंत निकालते ही नमक वाले पानी में डाल दूंगी। नमक वाले में पानी में डालने का हमारा ये मोटिव है कि जो वड़ा है वो गर्म होगा, पानी में डालते ही एकदम सोख हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और पानी में लगभग 15 मिनट तक आप छोड़ दें। और 15 मिनट बाद क्या करना है, एक वड़ा लेना है और दोनों हाथों के बीच रख के हथेलियों के बीच धीरे से स्विच आउट करना है। अब देखिए सारा पानी अच्छे से स्विच आउट हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट एकदम परफेक्ट वड़ा बना है। अब ये वड़ा को हम जो दही वाला मिक्सचर बनाए थे उसमें डालते जाएंगे। वही प्रोसेस में सारे वड़ा को हम धीरे धीरे हाथ से दबा दबा के पानी निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पानी, और फिर दही में डालते जाएंगे। इससे दो चीज़ होगा, पहला ये वड़ा ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है तो दही में बहुत अच्छे से फूल जाएगा और जो हमारा दही है वो वड़ा में बहुत अच्छे से अंदर भी जाएगा। तो सॉफ्ट सकलेंट वड़ा एकदम अच्छे से रेडी हो गया। और जो हम कूटा हुआ अदरक और मिर्चा का मिक्सचर लिए थे ना, मैं थोड़ा उससे बचा ली थी, आप चाहें तो थोड़ा सा और बना भी सकते हैं। उसमें 2 चम्मच पानी डाल के उसका जो पानी है सिर्फ रस है वो हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मेरा दही वड़ा रेडी हो गया, अब इसको लगाते हैं तड़का। तो 1 बड़ा चम्मच मैं तेल गरम की हूँ, उसमें 2 सूखी लाल मिर्च ली हूँ, तोड़ दी हूँ, एक खड़ा रखी हूँ, एक को मैंने तोड़ दिया है, और करी पत्ते ली हूँ 10 से 15 ली हूँ। तो जब तेल गर्म हो जाए उसमें मिर्चा, थोड़ा सा राई ली हूँ 1/2 छोटी चम्मच के आसपास, और जीरा ली हूँ 3/4 छोटी चम्मच। जब गर्म हो जाए तो राई और जीरा डाल देंगे और करी पत्ता फिर डाल दूंगी मैं। अब सबको मीडियम फ्लेम में हमको तड़का को भूनना है, हाई नहीं करना है, कड़वा नहीं होना चाहिए, तो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और जब मेरा तड़का हो जाएगा तो ये जो तड़का है इसको हम दही में डालेंगे। तो है ना एक अच्छा सा ट्विस्ट, ये बहुत फेमस है साउथ इंडियन में और ईस्ट इंडिया में। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, वड़े के ऊपर खट्टी चटनी और मीठी चटनी डलता है, पर इसका स्वाद कुछ और ही होता है। तो मेरा तड़का रेडी हो गया, मैं इसको दही वड़ा में छौंक लगा दी। अब क्या करूँगी, जो दही है ना थोड़ा सा मैं उस पैन में डाल के उसको वापस डाल दूँगी, इससे सारे जो फ्लेवरिंग है बहुत अच्छे से आ जाते हैं। और इस दही वड़ा को मिक्स करने का एक टेक्निक है, आपको वड़ा को नहीं उसको उल्टाना है, बट क्या करना है, एक स्पून के हेल्प से दही को वड़ा के ऊपर स्प्रेड करना है। इससे क्या होगा, वड़ा टूटेंगे नहीं और दही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। 10 मिनट छोड़ दें और फिर हम इसको सर्व करेंगे। मेरा बहुत ही सुंदर, एकदम सॉफ्ट और एकदम मशी दही वड़े रेडी हैं। दही बहुत अच्छे से अंदर गया है, आप देख पा रहे होंगे मैं जैसे एक एक वड़ा रख रही हूँ, कितना सॉफ्ट है आप जान पा रहे होंगे। और ये दही वड़ा बहुत ही टैंगी रहता है, हम इसमें कोई भी मीठी चटनी नहीं डाले हैं। अब वड़ा मैं सर्व करके ऊपर दही डाल दूंगी, साइड में दही डाल दूंगी, दही वड़ा के साथ तो दही तो रहता ही है। अब जो पाउडर हम बनाए थे ना मिर्चा और जीरा वाला, उसको मैं छिड़क दूंगी, बहुत टेस्टी और यमी लग रहा है, और थोड़ा धनिया पत्ता तो बनता ही है। तो मेरा दही वड़े एकदम रेडी है, क्लासिक टेस्ट है ईस्टर्न साइड में, स्पेशली ओडिशा में ये स्पेशलिटी है, बहुत अच्छा लगता है। होली के टाइम पे तो ऑलमोस्ट सबको ही बनाते हैं। मैं आपको एक वड़ा दिखाती हूँ, देखिए उसका अंदर का जो होल है कितना परफेक्ट हुआ है और नरम, तो आप वीडियो देखकर ही जान पा रहे होंगे। तुरंत एकदम मशीली सॉफ्टली वड़ा कट गया, आप देखिए कितना अच्छे से उसका टेक्स्चर है। एक और बाइट तो बनता ही है इतना सॉफ्ट दही वड़ा का। तो मेरा वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, निश्चिंत ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और जो लोग डायबिटिक है, मीठा नहीं खा सकते, उन लोगों के लिए तो हेवन है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।